नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ना बहुत ही तीखी चटपटी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार इसे बनाना आप पसंद करेंगे। और इसमें हमने ढेर सारे वेजिटेबल का भी यूज किया है और बनाया है इसे 1 कप पोहा से। इसीलिए मैंने बोला कि ये नाश्ता टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। तो हम यहाँ पे 1 कप पोहा ले रहे हैं, उसमें पानी डालकर इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, 2-3 बार इसे अच्छे से हम पानी डालकर साफ कर लेंगे। इसमें जो ऊपर डस्ट रहता है ना, गंदा सब ऊपर पानी डालने से ऊपर आ जाता है। तो इसे हमें बहुत देर पानी में नहीं छोड़ना है, बस इसे 2-3 बार अच्छे से पानी से साफ करना है। तो मैं इसे ले जाती हूँ नल के पास जाकर साफ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक हम दूसरा बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे पानी को, हमने ना स्टेनर पे डाल के पोहा का पानी को निकाल लिया है और पोहा इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, और लाल मिर्ची मेरे पास था उसे भी मैंने कट कर लिया है। उसके बाद ग्रेट किया हुआ अदरक, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में ना शिमला मिर्च को हमने काट लिया है, और ये गाजर को ग्रेट कर लिया है। आलू को भी यहाँ हमने कच्चे आलू को ही ग्रेट करके लिया है, यहाँ बॉयल आलू डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप चाहे तो डाल सकते हो। और प्याज को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये रहा धनिया पत्ती, आप सब्जी ना इसमें अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये नाश्ता बनकर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तैयार होता है। इसमें कुछ मसाला डालेंगे, तो यहाँ हमने ना 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। और उसके बाद आधा कप ये सूजी डालेंगे इसमें, आधा कप मतलब 3-4 चम्मच के करीब में, और 2 चम्मच ये ना कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डालने से ना ये नाश्ता कुरकुरा बनकर तैयार हो, क्रिस्पी बहुत ही बनेगा। और इन सबको डालने के बाद हम ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे अब हम हाथों से मिलाएंगे, और इसमें पानी के यूज नहीं करना है हमें, पोहा में जो पानी था ना उसी से ये नाश्ता अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको वो ज़्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगी आपको भी। और इसे हम ना बांध कर देख लेंगे कि अच्छे से बाउल इसका बॉल बन रहा है कि नहीं, देख रहे अच्छे से ये बंध रहा है। अगर अच्छे से नहीं बंधे तो आप इसमें 1-2 चम्मच और मैदा या सूजी डाल सकते हैं। और उसके बाद ना हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा कर इसका हम ना ये टिक्की का शेप दे रहे हैं। आप चाहे तो जिस भी शेप में आपको पसंद हो उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। देख रहे हैं ना आप कितना आसानी से बन रहा है, और बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद। इसी तरह करके ना हम सारे टिक्की को तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी बताएं। आप ना लाइक करते ना कमेंट करते मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं। और इसी तरह करके हम सारे टिक्की को तैयार कर लिए। अब चलते ही इसे फ्राई करने हैं। तो तेल को हमने पहले से ही गर्म करके रखा है, आप चाहे तो या स्लो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने आज ना सिर्फ फ्राई करके ही सोचा बनाऊं, और चाहे तो इसे स्टीम पे भी आप बना सकते हैं बिना तेल का भी, वो भी बहुत अच्छा बहुत टेस्टी तैयार होता है। और ये नीचे से हल्का जब ब्राउन होने लगे ना तो इसे हम पलट देंगे। और गैस का फ्लेम ना यहाँ पे हम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत तेज पे क्या होगा ना ऊपर से जल जाएगा अंदर से एक कच्चा रह जाएगा, और कम में होगा कि ये टूट के बिखर सकता है, इसलिए हमें इसका फ्लेम ना मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम। और इसे दोनों साइड से हम ना अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर अच्छा ना आ जाए तब तक इसे सेकेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, अच्छी तरह से पक भी गया अंदर से। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं।
दोस्तों आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कितनी आसानी से बन रहा। देख रहे हैं ना आप, वेजिटेबल आप अपने अपने पसंद के अनुसार भी डालिएगा तो अच्छा लगेगा, और ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे, एक बार बना कर देखिएगा। और अब जो बचा हुआ बैच है उसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे टिक्की को डाल दिया और इसे भी उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से पका लिया। इसका भी कलर देख रहे हैं अच्छा आ गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ सारा नाश्ता बनकर तैयार है। अब मैं इसे पास से दिखाती हूँ, आप इसे हरी चटनी मीठी चटनी किसी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगे। जब भी आपको मन हो तीखा चटपटा कुछ खाने का आप इसे बना सकते हैं। आप देख रहे घर में ही जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल हो उसी से बन जाता है नाश्ता। तो वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।